सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा छः की हिंदी पाठ पुस्तक अरुणिमा में संकलित सुमित्रानंदन पंत रचित प्रथम कविता नवजीवन का विहान से संबंधित अभ्यास माला देखेंगे। इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने मनुष्य को ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होने के लिए प्रेरित किया है। इस कविता में कवि ने ईश्वर की प्रार्थना की है और इस संसार में नवजीवन का विहान का आगाज किया है। तो हम लोग कविता तो कल ही पढ़ चुके थे, उम्मीद है आपने इस कविता को कंठस्थ भी कर लिया होगा। प्रथम क्वेश्चन है कवि किसका प्रेमी बनने के लिए कह रहा है। इसका उत्तर होगा कवि ईश्वर का प्रेमी बनने के लिए कह रहा है, ईश्वर अर्थात भगवान, है ना। अखिल व्यक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? अखिल व्यक्ति से कवि का अभिप्राय सर्वशक्तिमान ईश्वर से है। कवि अमर दान प्राप्त करके क्या करना चाहता है? कवि अमर दान प्राप्त करके मानव का परित्राण अर्थात रक्षा करना चाहता है। कवि जग में क्या लाने के लिए कह रहा है? कवि जग में नव जीवन का विहान यानी एक नया सवेरा, है ना, लाने की बात कह रहा है। शुद्ध उच्चारण कीजिए। छात्रों, मैं इन शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ, आप मेरे साथ दोहराइएगा, है ना। सौंदर्यपूर्ण, संशय, परित्राण, नवजीवन, विहान। उसके बाद ग में है कवि ने ईश्वर के कौन कौन से गुण बताए हैं। तो इसका आंसर कविता की प्रथम पंक्ति में है, जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण। कवि ने बताया है कि ईश्वर इस संसार में चीर महान अर्थात हमेशा लगातार क्या है, महान है, वो सौंदर्य से पूर्ण हैं, और सत्य प्राण हैं, है ना। कवि शक्ति की कामना क्यों कर रहा है? कवि शक्ति की कामना इसलिए कह रहा है कि शक्ति मिलने के बाद जितने भी भय हैं, संशय हैं, अंधविश्वास हैं, वो सभी समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति प्रकाश के समान चमकने लगता है। अगला प्रश्न है, नवजीवन का विहान लाने से कवि का क्या अभिप्राय है? नवजीवन से विहान लाने से कवि का अभिप्राय है कि संसार में नई स्फूर्ति और एक नया सवेरा कवि लाना चाहता है, ताकि संसार में जो भी अवगुण हैं, दोष हैं, वो दूर हो जाएं और पूरी दुनिया एक नई स्फूर्ति के साथ जो है अपने कार्य में आगे बढ़े। कविता की पंक्तियां पूर्ण करें, या आपने जो कविता याद की है उसके आधार पर उस कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है। कविता के अनुसार मिलान करना है, जग जीवन में जो चीर महान, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ जो हो मानव के हित समान, ला सकूं विश्व में एक बार, ये ना होगा, ला सकूं विश्व में एक बार जी, मिल जाएं जिसमें अखिल व्यक्ति। ठीक है बच्चों, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे कर लीजिएगा और कविता याद कीजिए। मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कविता को अच्छी तरह से आप कंठस्थ कीजिए, शब्दों का अभ्यास कीजिए और साथ ही शब्दार्थ याद कीजिए। ठीक है, इस लॉकडाउन का भरपूर से भरपूर आप जो है सही उपयोग कीजिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ आज का क्लास मैं बंद करता हूँ। धन्यवाद।